पिछले हफ्ते मेरे साथ पेट्रोल पंप पे 400 रुपए का स्कैम हुआ। वो दरअसल हुआ यूं कि मैं अपनी गाड़ी में 1000 रुपए का पेट्रोल भरने के लिए गया और मैंने उनको बोला कि भैया 1000 रुपए का पेट्रोल भर दो, तो उन्होंने 400 पे लाके रोक दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मैंने 1000 रुपए का बोला था, 400 पे क्यों रुक गए? तो उन्होंने बोला कि भैया सुनने में गलती हो गई होगी, मैं अभी 1000 का कर देता हूं। अब आमतौर पर मेरी जो गाड़ी है वो 1000 रुपए के पेट्रोल में 120 से 130 किलोमीटर चल जाती है, लेकिन उस वक्त 1000 रुपए का पेट्रोल डालने के बावजूद मेरी गाड़ी 60-70 किलोमीटर तक नहीं चली। तब मुझे पता चला कि मेरे साथ स्कैम हुआ है। अब मैंने वापस जाके उनसे झगड़ा भी किया लेकिन वो कहां मानने वाले। इसीलिए मैंने सोचा कि ये सारा आपके साथ शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम में से काफी सारे लोग इसमें फंसते जा रहे हैं। घर पे आके मैंने थोड़ी सी जांच पड़ताल की तो मुझे पता चला कि ये एक ही प्रकार के नहीं, ऐसे 6-7 अलग अलग प्रकार के स्कैम आपके साथ होते हैं पेट्रोल पंप पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 6-7 अलग अलग प्रकार के स्कैम भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि उनसे बचा कैसे जाए। तो सबसे पहले मैं आपको वो स्कैम बताता हूं जो मेरे साथ हुआ है, उसको मैं थोड़ा आपको विस्तार से समझाता हूं। तो हुआ ये कि मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने उनको बोला भैया 1000 रुपए का पेट्रोल भरना है, अब भर दो। तो उन्होंने 400 तक लाके रोक दिया और बाद में उन्होंने बोला कि मेरे सुनने में गलती होगी, मैं अभी और 600 का भर देता हूं। 400 का भरने के बाद उन्होंने वापस से 600 पे लाके रोक दिया। अब मैंने उनको बोला भैया मीटर में तो 600 दिखा रहा है, तो उन्होंने बोला पहले 400 का भरा फिर 600 का भरा, तो हो गया ना 1000 रुपए। तो मुझे लगा हाँ यार सही है, लेकिन हुआ यूं कि उन्होंने 400 के बाद पंप को वापस से जीरो किया ही नहीं, वो 400 से 600 तक लेके गए और जो पेट्रोल भरना था 1000 रुपए का वो उन्होंने 600 रुपए का भरा और मेरा 400 रुपए का नुकसान हो गया। अब आमतौर पर ना मैं बहुत सतर्क रहता हूँ पेट्रोल पंप के ऊपर, लेकिन जब उन्होंने 400 रुपए का पेट्रोल भरा और वो 600 का और भरने वाले थे, उसी के बीच एक बंदा आया मेरे पास पेमेंट के लिए और उसने मेरा ध्यान कुछ सेकंडों के लिए ना भटका दिया और उतने में ही ये स्कैम हो गया। तो अब देखते हैं दूसरे स्कैम के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग होज ट्रिक। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम पेट्रोल डालने के लिए जाते हैं, जिस भी पाइप से हमारे गाड़ी में पेट्रोल डाला जाता है उसके आगे एक बड़ा वाला ऐसा नॉजल रहता है। तो दरअसल इस नॉजल में 100 से 150 ml पेट्रोल रह जाता है। तो आपने देखा होगा कि पेट्रोल डालते समय आखिर में वो बंदा 2-3 बार उस नॉजल को प्रेस करता है, क्योंकि उसके पीछे कारण यही है कि वो चोरी करना चाहता है वो 100 से 150 ml पेट्रोल। अब 100 से 150 ml पेट्रोल आपके लिए कोई मायने नहीं रखता होगा, लेकिन हर एक के साथ ऐसा कर करके चोरों को बड़ा फायदा हो जाता है। बात करते हैं तीसरे स्कैम के बारे में जो कि है डाइवर्जनरी मेथड। अब इसमें क्या होता है, कोई ना कोई बंदा आके आपका ध्यान भटका देगा। जैसे कि कोई आएगा और आपको बोलेगा मैं आपका मुफ्त में आपकी कांच साफ कर देता हूं, या फिर मुफ्त में आपके गाड़ी में फ्यूल कूलेंट डाल देता हूं। तो ऐसा करके वो आपका ध्यान तो भटका देंगे, लेकिन उतने में जो ऑपरेटर है पेट्रोल भरने वाला वो फ्यूल टैंक की बजाय वो जो नॉजल है पेट्रोल का वो डाल देगा किसी बॉटल में वगैरह। आपको लगेगा कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल भरा जा रहा है, लेकिन असल में आपके पेट्रोल की चोरी हो जाएगी। अब ये स्कैम आपको कम देखने को मिलेगा क्योंकि इसमें पकड़े जाने की रिस्क बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इस स्कैम से भी आप सतर्क रहें। अब बात करते हैं चौथे स्कैम के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं ट्विकिंग फ्यूल डिस्पेंसिंग मशीन। अब आपको पता ही है कि 50% से ज्यादा लोग एक फिक्स डिनोमिनेशन में पेट्रोल भरवाते हैं, जैसे कि 50, 100, 500, 1000, 2000। अब ये बात पेट्रोल पंप वाले भी जानते, तो वो लोग क्या करते हैं पंप के अंदर एक इंटीग्रेटेड चिप बिठवा देते हैं। अब जिससे होता क्या है कि कोई भी बंदा पेट्रोल या डीजल एक फिक्स डिनोमिनेशन में भरने जाए तो उसको 2-3% पेट्रोल कम मिलेगा। अब ये सारा मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे राज्यों में ऐसे केसेस सामने भी आए हैं और काफी सारे ओनर्स इस स्कैम के अंदर पकड़े भी जा चुके हैं। अब बड़ी कंपनियां जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग मेजर्स ले रहे हैं कि ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी ये होते ही रहता है। पांचवा स्कैम है महंगा पेट्रोल भरना, जैसे कि स्पीड या फिर पावर का, और वो भी बिना पूछे। इस वाले स्कैम में कुछ ऐसा है नहीं, पर जो ऑपरेटर है वो आपसे बिना पूछे महंगा वाला पेट्रोल डाल देगा, जैसे कि पावर या फिर स्पीड वाला, और वो बोलेगा कि नॉर्मल पेट्रोल नहीं आ रहा है क्योंकि उसकी सप्लाई कम है। अब कस्टमर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो भी महंगा वाला पेट्रोल डाल लेता है। महंगे वाले पेट्रोल में होता क्या है, इनको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा मिल जाता है, तो इसलिए ये पेट्रोल पंप वाले ऐसे करते हैं। आखिरी स्कैम जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूटी स्कैम। अब ये खासकर बाइक वालों के साथ ज्यादा होता है। पेट्रोल पंप वालों को पता होता है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे थोड़े जल्दी में होते हैं और वो कम अमाउंट का पेट्रोल भरवाते हैं और इसी का वो लोग फायदा उठाते हैं। तो क्योंकि बाइक वालों की लाइन थोड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रही होती है तो इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं और वो पंप को जीरो पे सेट ही नहीं करते, वो उसी कंटिन्यूटी में पेट्रोल को भर देते हैं। अब उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको समझाऊं तो अगर आपके आगे वाले ने 100 रुपए का पेट्रोल भरा है और जब आप पेट्रोल भरने के लिए जाओगे और आप बोलो कि मुझे 200 का पेट्रोल भरना है, वो सिर्फ नाटक करेंगे पंप को जीरो करने का और उसी 100 से 200 तक का भरेंगे, यानी कि आपको सिर्फ 100 रुपए का पेट्रोल आपके गाड़ी में भरा जाएगा और इस तरीके से आपका 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ये थे कुछ 6 प्रकार के स्कैम जो कि पेट्रोल पंप पे होते हैं। अगर इसके अलावा आपको कोई और स्कैम पता है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताना।